हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो दोस्तों, आज मैं आपको खोल के दिखाऊंगा रशिया सर्वर, जिसमें आपको देखने को मिले बहुत सारे फ्री में रिवॉर्ड। और मैंने देखा है कि रशिया सर्वर का इंक्यूबेटर बहुत ही अच्छा है और ब्लूप्रिंट में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो चलो, आज मैं आपको दिखाऊंगा रशिया सर्वर खोल के और उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप फ्री फायर का रशिया सर्वर कैसे खोल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है मोबाइल के स्क्रीन के अंदर और चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर। तो आपको एक वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा। जो वीपीएन मैं सर्च कर रहा हूँ वही आपको सर्च कर देना है। तो ये वीपीएन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फिर से देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो वीपीएन नहीं करना, ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वीपीएन। तो ऊपर आपको सर्च कर देना है रशिया। जैसे रशिया सर्च करोगे तो आपको पहले ही देखने को मिलेगा रशिया सर्वर का वीपीएन। यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो रहा है वीपीएन, आप देख सकते हो। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आपको कर देना है गेम को स्टार्ट। तो चलो हम कर देते हैं गेम को स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको ऊपर से दिखा देता है वो वीपीएन कनेक्ट हुआ है नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, तो रशिया। तो अभी दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, तो आपको सर्वर के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हो हमारा गेम लोडिंग हो रहा है। तो हमारा लोडिंग होने के बाद हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता होगा हम आ जाएंगे सीधा लॉगिन के अंदर। तो लॉगिन के अंदर हमको क्या करना है, आपको एक मिलाड़ी बना लेनी है जिसमें आप ये सर्वर खोल सकते हो। तो हम चलो, हमारे पास तो मिलाड़ी पहले से बनाई हुई, तो हम खोल के आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे गूगल पे क्लिक करोगे तो आपके सब की जितनी ईमेल आईडी होगी आपको देखने को मिलेगी। तो हम कर देते हैं चलो ईमेल आईडी पे क्लिक। तो हमारी ईमेल आईडी हमने पहले से बनाई हुई है, तो ईमेल आईडी खोल देते हैं, वही पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से फिर से इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप दोस्तों देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कर देना है टैप टू कंटिन्यू। टैप टू कंटिन्यू करोगे तो फिर से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लोडिंग होगा थोड़ा सा और आपको फिर से कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद कैली देखने को मिलेगी। आपको कर देना है बीच वाले पे सेलेक्ट। बीच वाले पे सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है कंफर्म। यहाँ पे आपको बोलेगा नाम सेलेक्ट करने के लिए बोले। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम रख दिया कुछ भी, आपको सिर्फ सर्वर खोल के दिखाना है हमको। तो जो सब देख सकते हो, अब यहाँ पे फिर से कुछ आया सर्वाइवर कैन यू। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी फिर से कुछ देखने को मिलेगा। अभी टैप टू कंटिन्यू करोगे तो हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। तो सीधा आपको गेम के अंदर भेजा जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टैप टू कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर खुलने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा लोडिंग आ चुका है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए सीधा ओपन हो गया, गेम के अंदर नहीं भेजा गया। तो अभी मैं आपको सेटिंग के अंदर जाके आपको सर्वर दिखा देता हूँ। तो चलो हम सेटिंग के अंदर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा रशिया सर्वर खुल चुका है, लेकिन यहाँ पे CIS दिखा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों, रशिया सर्वर का जो नेम है वो चेंज कर दिया है और जो दो सर्वर है वो उन्होंने क्वालिफिकेशन कर लिया है इसमें, इसलिए ये CIS दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो ये हमारा रशिया सर्वर है जिसमें आपको देखने को मिलता है फ्री में रिवॉर्ड। तो अभी आपको दिखाते हो कि इस सर्वर में इवेंट कौन से चल रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं इवेंट सेक्शन के अंदर। इवेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है दोस्तों, नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वीपीएन को ऑफ। तो दोस्तों चलो हम वीपीएन को ऑफ कर देते हैं। वीपीएन के कारण हमारा नेटवर्क भी बहुत स्लो चल रहा है। तो चलो वीपीएन को कर दिया हमने ऑफ। तो अभी चले जाते हैं गेम के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हो हम इवेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इमोट, यहाँ पे कैरेक्टर देखने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो इमोट भी है। यहाँ पे बंडल देखने को मिलेगा, कस्टम कार्ड है उसको भी आप क्लेम कर सकते हो, टोकन है। नीचे चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों वेपन वाउचर है, डायमंड वाउचर है, इंक्यूबेटर वाउचर है। यहाँ पे म्यूजिक भी है, उसको भी क्लेम कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे स्कैप चल रहा है, नीचे चलते हैं। चलो नीचे, नीचे तो कुछ नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो चलो अभी हम आपको दिखाते हैं लक रॉयल, इसका लक रॉयल में क्या चल रहा है। तो चलो हम चलते हैं लक रॉयल के अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लक रॉयल के अंदर। तो यहाँ पे नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए लक रॉयल भी ओपन नहीं हो रहा है। तो चलो आगे क्या देखने को मिलता है लक रॉयल के अंदर, कौन से बंडल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बंडल हमारा आ चुका है फ्रेडवेल के अंदर, तो आप इसको निकाल सकते हैं फ्रेडवेल के अंदर से बंडल। तो चलो इसको मुक कर देते हैं। तो दोस्तों डायमंड तो है नहीं, तो क्या स्पिन करेंगे। तो चलो नीचे चलते हैं। तो नीचे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलती है न्यू M10, आपको पता ही होगी जो M10 आई है जो 8 लेवल की होती है। तो दोस्तों ये हमको देखने को मिलती है यहाँ पे फ्री डेवल पे। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से आया है कि दोस्तों ग्लोअल की स्किन है। और यहाँ पे चलो हम कंफर्म कर देते हैं, डायमंड तो है नहीं, तो डायमंड बिना डायमंड के तो क्या करेंगे। चलो नीचे चलते हैं। अभी नीचे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलती है फिस्ट की स्किन और इलाइट पास दोस्तों देखने को मिलता है। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ से आपका इलाइट पास भी मिल सकता है फ्री में। आप डायमंड से स्पिन करते तो आपको इलाइट पास भी मिल सकता है सस्ते में। यहाँ पे ओकी स्किन चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो डबल एटो पार हो गए। और नीचे चलते दोस्तों आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये दोस्तों आप देख सकते हैं वेपन रॉयल में भी हमको देखने को मिला है मैजिक फ्रेगमेंट। यहाँ पे इमोट चल रहा है जो आप पूरे स्क्वाड के साथ इमोट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम कुछ भी कर देते हैं रिमूव। तो यहाँ पे भी डायमंड मांग रहा है फ्री में, तो स्पिन के दिया ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे इंक्यूबेटर की बात की जाती है दोस्तों, आप देख सकते हो सभी जगह पे आपको इंक्यूबेटर और ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगी। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ब्लूप्रिंट और स्टोन देखने को मिलेंगे और मैजिक फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हमको देखने को मिलता है वेपन रॉयल में भी मैजिक क्यूब, आप दोस्तों देख सकते हैं।
वेपन रॉयल में भी इस सर्वर में मैजिक क्यूब देखने को मिलते हैं और यहाँ पे डायमंड रॉयल पे भी मैजिक क्यूब देखने को मिलता है, आप दोस्तों देख सकते हो। तो चलो नीचे चलते हैं, क्या गोल्ड में भी मैजिक क्यूब देखने को मिलता है? नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे तो नहीं है मैजिक क्यूब, आप देख सकते हो गोल्ड में तो मैजिक क्यूब नहीं दिया। तो चलो अभी देखते हैं इसके स्टोर सेक्शन के अंदर क्या चल रहा है। तो न्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पे 5-6 आइटम चल रही है। तो नीचे बंडल देखते हैं कौन से बंडल है। तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो बंडल परचेस कर सकते हो। यहाँ पे कैरेक्टर्स अभी तो सर्वर में गोल्ड के अंदर ही दिए गए, लेकिन इस सर्वर में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ गोल्ड में देखने को मिलती है। तो चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो टी शर्ट है जो आपको बहुत सारी गोल्ड में देखने को मिलती है। दोस्तों ये रशिया सर्वर में आपको बहुत सारी गोल्ड में चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पता ही होगा रशियन बहुत ही हार्ड सर्वर जिसमें आपको अच्छी अच्छी गोल्ड भी देखने को मिलती है। यहाँ पे इमोट बहुत ही अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े इमोट दिए गए हमारे सर्वर में, तो ऐसे इमोट भी आगे भी दिखाते हैं। फेट है तो फेट तो सब नॉर्मल है। चलो आइटम पे चलते तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बुया पास चल रहा है, उसको भी आप निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हो, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो गन स्किन है जो आप निकाल सकते हो परमानेंट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 40 डायमंड के क्रेट मिलती है। और नीचे चलते यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो अच्छे अच्छे क्रेट है जिसको आप ओपन करके निकाल सकते हो। आपका नाम का बैनर भी मिलेगा दोस्तों, आपका जो नाम होगा उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसका नाम अक्षर भी आपको बैनर भी मिलेगा, आप दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पे ए टू जेड का बैनर भी आप दोस्तों देख सकते हो। आगे चलते आगे क्या निकलता है, तो दोस्तों आगे चलो हम देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों चलो हम मैजिक क्यूब के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मैजिक क्यूब के अंदर तो सब नॉर्मल है। चलो नीचे चलते क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे एफएफ टोकन के अंदर बंडल है दोस्तों, तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।